ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें। साथ ही नकल से सावधान रहें। दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं, जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि, तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल हो। आप सभी को मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। यदि आपको कोई भी रिप्लाई में बोले कि ये गुरुजी का नंबर है, आप इस पर कॉल लगा लीजिए, या फिर आपको बोले कि बेटा हम आपका काम कर देंगे, इस नंबर पे कॉल लगाइए, तो ऐसे लोगों से कदा भी संपर्क मत कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि किसी ने आपको ऐसे कमेंट में, रिप्लाई में ये लिखकर बोला है कि बेटा आपका काम यहाँ बनेगा, यहाँ कॉल कीजिए, या किसी भी तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपका काम बनेगा, या उन्होंने कहा मैं किसी भी गुरु के पास गया, मेरा काम नहीं बना, और मैं फलां गुरु के पास गया और मेरा काम बन गया, तो ऐसे लोगों से अपना रास्ता रखिए, दूरी बना के रखिएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि ऐसे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, तो समझदार बनिए, इनको इग्नोर करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा वशीकरण मंत्र है, ये संसार का सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र है। और इसको कैसे करना है, मैं यथाचित आपको यथार्थ रूप में, यानी कि करके दिखाऊंगा, और आप उसको उसी प्रकार से क्रमबद्ध अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम बहुत कम समय में मिलेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है कि आपको ये नहीं करना या आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। यदि आप मांस मदिरा खाते हैं तो आप खा सकते हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप किसी और तरह का व्यसन करते हैं तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। ये तंत्र क्रिया में आता है, षट कर्मों में आता है, और इसको करना बहुत ही आसान है और ये हर एक को लाभ प्रदान करता है। यदि इसको सही तरीके से किया जाए तो मात्र 7 दिन में आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देता है। इतना शक्तिशाली ये प्रयोग है कि इसको बच्चे भी कर सकते हैं। यदि किसी की उम्र 15 साल है या 15 से कम है तो वो भी इसको साध सकता है और अपने जीवन में अपने साथी को प्राप्त कर सकता है, जिसको भी वो चाहता है या जिसके साथ वो अपना भविष्य निर्धारित करना चाहता है। इसमें करने जैसी कोई भी ऐसी दुर्लभ चीज़ नहीं है। इसमें कुछ सामग्री है जो आपको लेनी होगी और वो अपने पास रखनी है और उसके साथ इस प्रयोग को करना है, और कुछ ही समय में ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आपको सबसे पहले 2 डॉल लेनी होंगी, कठपुतली, एक अपने लिए और एक उस व्यक्ति के लिए जिसको आप चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, कागज़ की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, कोई भी चीज़ हो। और उसके बाद आपको करना है, जो आपकी डॉल है उसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपका जो पुतला है, जो आपका रूप है उसके ऊपर आप अपना नाम लिख दीजिए, और जो दूसरा है उस पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद उन दोनों को पूर्णिमा के दिन जब चांद निकलता है, तब आपको गंगा जल में भिगो के चांद की रोशनी में पूरी रात आपको रखना है, और उसके अगले दिन आपको उन दोनों को सामने रख देना है, एक दूसरे के सामने, और उनके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देनी है। छोटी हो, बड़ी हो, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न ना करें। कोई भी रुद्राक्ष की माला जो टूटी हुई ना हो वह काम करेगी, वह डाल दीजिए दोनों के गले में। और इस तरह से डाल दीजिए कि जैसे जयमाला पहनाई जाती है वर वधु को, उस तरह से वो माला डाल दीजिए। और उसके बाद उन दोनों को कहीं रख दीजिएगा, एक दूसरे के साथ बांध के रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी रख सकते हैं। और जो आपका डोल है उसके पास, जो आपका पुतला है उसके पास आपकी कोई चीज़ होनी चाहिए, आपका कोई बाल हो, आपकी कोई जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है वो आप उसके साथ रख दीजिए। और जो आपके दूसरे साथी हैं उनका जो पुतला है, उसकी जो डॉल है,
उसके साथ आप उसकी पसंदीदा चीज़ को रख दीजिए, जैसे कोई चाबी, 1 रुपये का उसका कोई नोट हो, या कोई उसके पर्स में से लिया हुआ नोट हो, या उसके कपड़े का एक लेश मात्र एक धागा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो उसकी शरीर से जुड़ी हो या उसकी हो, वो आप उस डॉल के साथ रख दीजिए और आप अपनी डॉल के साथ कोई अपनी चीज़ रख दीजिए। और उन दोनों को आपको रुद्राक्ष की माला से बांध देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं वरमाला की तरह भी डाल सकते हैं, बांध के भी रख सकते हैं। और जितना इसको आप जैसे ही रखते हैं ये काम करना शुरू कर देता है, जितना पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वो इंसान तड़प उठेगा आपसे मिलने के लिए, वो रह नहीं पाएगा आपसे मिलने के बिना। और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इन दो दिलों को दूर कर दे, यदि कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो वह स्वतः ही दूर हो जाएगा, या तो वो पागल हो जाएगा या वो सब कुछ छोड़ के भाग जाएगा। ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको जितनी बार भी हमने प्रयास किया है ये सफल रहा है। और हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल करने पे दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, ऊपर वाले की शरण में हैं, तो पहले तो आप प्रार्थना करिए कि वो आपको मिल जाए, यदि नहीं मिल रहा तो ही इन टोने टोटकों का सहारा लीजिए। ये तो थी एक उपाय के बारे में जो हमने बताया, जो कि बहुत प्रचंड है। और साथ में अभी हमारी एक साधिका हैं जिनका एक बहुत अच्छा काम बना है, तो मैं चाहता हूँ हमेशा की तरह आप सुनिए वो क्या कहना चाहती हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रीनू शर्मा है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, कौन सा काम बन गया आपका? देखो, मैंने ऐसे तो बहुत सारे मतलब वीडियोस देखे और काफी उसको इम्प्लीमेंट किए, 110% काम होता ही होता है। मैं जॉब देख रही थी सबसे पहले तो हाँ, एक स्कूल है वहाँ पे मैं जॉब देखती थी, बट मैंने ना डीएड किया हुआ है ना बीएड किया हुआ है, बट मेरे में क्षमता थी कि मैं पढ़ा सकती हूँ। बट मुंबई में जैसे कि आप जानते हो कि डीएड बीएड करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, तो जैसे ही मैंने आपका वो पानी वाला उपाय किया कि जो भी तुम्हारी इच्छा होती है पानी की बॉटल पे लिख लो और उसको वो चिपका दो और डेली एक दो वो बॉटल पीनी होती है आपको, बस उसी में पानी भरो और पी लो। ये आप मतलब सच्ची बोलो ना, चमत्कार को नमस्कार है, ये मैंने अब सीखा है। अच्छा, मैंने ये किया और बकायदा 1 साल हो गया मुझे वहाँ जॉब करके, मतलब अच्छा। अभी मतलब हाँ, मुझे इन बिटवीन जैसे ही मैंने किया, मुझे विद इन 10-15 days वो पानी वाला वो मेरा सक्सेस हो गया। सक्सेस मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई बोलता है मेरा नहीं होता है तो मैं ये सोचती हूँ कैसे नहीं होता है। और बोलते ना जहाँ चाह वहाँ रहा, और मतलब सच्ची माता रानी की कसम खा रही हूँ, मेरा कैसे सक्सेस हो मुझे पता है। अच्छा, क्या कब से आपने जो फोटो? हाँ जी, कब से ट्राई कर रहे थे आप? क्या ट्राई, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैंने जो जो काम दुर्लभ सामग्री का देख के किया है आज तक एक भी निष्फल नहीं हुआ है, सब फलीभूत हुआ है, मुझे सारा का सारा फलीभूत हुआ। अच्छा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोग तो मैं ये बोलूंगी नहीं, 100% मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि सच बोल रही हूँ, भले एक बार फेल हो दूसरी बार ट्राई करो, बट होता ही होगा। पर ये है कि हमारा दिल साफ है और किसी का बुरा करने के लिए कभी कोई काम मत करो तो नहीं होगा। हाँ, अगर अच्छा करना है तो किसी का भला करना है और वो नहीं हुए तो मैं चैलेंज देती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, होएगा ही होएगा, 100% गारंटी। और इसमें आपने जो भी दिखाया है सब कुछ फैक्ट है, सोना आने सच। आपने जो किया था वो कैसे किया था ये भी बता दीजिए लोगों को। देखो, सबसे पहले तो वो मैंने एक पानी की बॉटल ली ट्रांसपेरेंट, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक पेपर लिया, उसपे मैंने अपनी जो विश थी भगवान का नाम पहले लिखा और अपनी विश थी वो लिखा और उसको वो बॉटल पे चिपका दिया बाहर की तरफ से। हाँ, और उसको जो टेप आती है ना, टेप सेलो टेप जो होता है, मैंने वो चिपका दिया ताकि जब मैं वो बॉटल तो अभी धोनी तो करती है तो वो गीली ना हो, तो वो ब्राउन कलर की जो पट्टी आती प्लास्टिक वाली, तो मैंने उसको उससे कवर कर दिया। तो मैं डेली उसमें बोलते ना पूरी मतलब दिल से, पूरा दिल से करना चाहिए। मैंने एक चीज देखा है, मैंने बकायदा वो डेली उसमें तीन बार तो वो पानी उसको मतलब पीती थी, पानी भरना फिर वो पूरा पी लेना, फिर भरना, 1 घंटे 2 घंटे चार्ज करती थी, मतलब जैसा कि आपने वो वीडियो में बताया था
फिर चार्ज कर दी थी और फिर पीती थी, और बकायदा ये सच हुआ ही हुआ है। जब आपको रिजल्ट आया तब आपको कैसा लगा, मतलब आपको यकीन हो गया था? मतलब मैंने, मुझे बस ऐसा ही लगा कि मेरे को ये बोलते ना एक भगवान का दूत मिल गया है आपके रूप में, कि ये जो बोलते ना हमारे बोलते एंजल की कोई आता है और आपको एक राह दिखाता है। सच्ची कसम से माता रानी की सौगंध, ये मुझे जैसा। हाँ, और मैंने जब भी आपको मदद के लिए भी कॉल किया, आपको हमेशा हेल्प की है, तो ऐसा लगता है ना नहीं अपने लिए कोई है। भगवान तो सब जगह नहीं हो सकते, लेकिन कोई हेल्प जरा सा भी कर दे ना तो भगवान के होने का एहसास हो जाता है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपका काम हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सच्ची में आपका जितना धन्यवाद बोलूंगा मैं। नहीं नहीं, हमें भी बहुत खुशी होती है जब लोगों के काम बनते हैं हमारी वजह से। नहीं नहीं, वो ही आपको तो बोलते ना दुआओं की पोटली मिलती होगी सब जगह से, मेरे पास तो ज्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए। नहीं नहीं, आपने इतना ही बोल दिया, यही बहुत है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी जो भी उपाय करते हैं उन सबका काम बनता रहे, जैसे आपका। सब सब, बस इंसान नियत साफ रखे, सब काम होता है। और आप जैसे लोग राह दिखाए, सच्ची में जी, सब काम होता है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको हाँ, समस्या है तो मुझे जरूर कॉल करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपको पहले याद करते हैं जी। तो आपने अभी सुना कि साधिका ने कैसे आपको बताया कि उनका काम बना है। तो काम तो जरूर बनेगा, कोई भी प्रयोग कर लीजिए, बस सच्चा विश्वास, दृढ़ निश्चय जब तक आपके पास नहीं होगा काम नहीं बनेगा। विश्वास के साथ करिए, ऊपर वाले पे आस्था रखिए, और दिन में 24 घंटे में से 5 मिनट उसको याद करना शुरू कर दीजिए। जो आपका ख्याल रखता है, आप भी तो कभी उसका ख्याल रखो। भगवान कहते हैं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनता है? तो उसकी सुनना शुरू करो, वो जो कहता है उस पे चलो। श्री कृष्ण ने कहा है, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। तो आप उनकी बातें समझें, गीता पढ़ें, एक बार ज़रूर पढ़ें, और उनके अनुसार आप चलेंगे तो आप जो चाहेंगे आपके जीवन में आपको स्वतः ही मिलने लगेगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप सब इसी तरह से इस वीडियो को शेयर करते रहिए जैसे आप वीडियोस को शेयर करते हैं। यदि कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो ईमेल करें। और सामग्री बहुत कम मात्रा में रह गई है, यदि आप लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।